हेलो एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज के लेक्चर में हम मैथमेटिकल फिजिक्स का एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर करेंगे। टॉपिक का नाम होगा जनरेटिंग फंक्शन फॉर पीएनएक्स। पीएनएक्स यहाँ पे रिप्रेजेंट करता है लीजेंडर पॉलिनोमियल को। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम स्टार्ट करते हैं कि हम इसको जनरेटिंग फंक्शन क्यों बोलते हैं। इसको जनरेटिंग फंक्शन बोलने का रीजन ये होता है कि हमारे पास कोई एक ऐसा फंक्शन होगा जिस फंक्शन की हेल्प से हम पीएनएक्स को यहाँ पे जनरेट कर सकते हैं। दैट्स वाई हम इसको जनरेटिंग फंक्शन बोलते हैं। अब हम बात करते हैं वो कौन सा जनरेटिंग, वो फंक्शन क्या होगा जिस फंक्शन की हेल्प से हम पीएनएक्स को जनरेट कर सकते हैं। तो वो फंक्शन होगा हमारे पास 1 माइनस 2 एक्स एच प्लस एच स्क्वायर और इस टोटल की पावर माइनस 1 बाय 2। जब हम इस फंक्शन को एक्सपेंड करते हैं एच की असेंडिंग पावर में, जब हम इस फंक्शन को एक्सपेंड करेंगे विद द हेल्प ऑफ बाइनोमियल एक्सपेंशन, तो वहां पे हमें एच की पावर एन के कोफिशियंट मिलेंगे। जो एच की पावर एन के कोफिशियंट हो गए उन्हीं को हम जनरेटिंग पीएनएक्स बोलेंगे। ठीक है, तो एक बार मैं फिर बता देता हूं, इस फंक्शन को जनरेटिंग फंक्शन इसलिए कहा जाता है कि इस फंक्शन को जब हम एक्सपेंड करेंगे h की असेंडिंग पावर में, तो वहां पे हमें h की पावर n के कोफिशियंट मिलेंगे और h की पावर n के कोफिशियंट का जो कलेक्शन होगा उसी को हम pnx बोलेंगे। और यहाँ पे ये जो एक्सपेंड करते हैं वो इनफाइनाइट टर्म तक हम इसको एक्सपेंड करने की कोशिश करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करते हैं, अगर एग्जाम में ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा तो किस हिसाब से पूछा जाएगा। तो क्वेश्चन मिलेगा हमें, प्रूव दैट pnx इज द कोफिशियंट ऑफ h की पावर n इन द एक्सपेंशन ऑफ 1 माइनस 2 एक्स एच प्लस एच स्क्वायर और इस टोटल की पावर माइनस 1 बाय 2 इन असेंडिंग पावर्स। अब पहले मैं इसका मतलब बता देता हूं क्या होगा। जब हम 1 माइनस 2 एक्स एच प्लस एच स्क्वायर इसका एक्सपेंशन करेंगे, इसको एक्सपेंड करेंगे विद द हेल्प ऑफ बाइनोमियल एक्सपेंशन, तो वहां पे हमें एच की पावर एन के कोफिशियंट मिलेंगे और एच की पावर एन के जो कोफिशियंट होंगे उन्हीं को हम पीएनएक्स बोलेंगे। ठीक है, तो एक चीज और, यहाँ पे काफी सारी बुकों में हमें ये वाली टर्म मिलती है या फिर कुछ बुक्स के अंदर हमें मिलता है 1 माइनस 2 एक्स जेड प्लस जेड स्क्वेयर और इस टोटल की पावर माइनस 1 बाय 2। मीन्स यहाँ पे जो एच है उसको हम जेड से रिप्लेस कर देते हैं उसके अंदर। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल स्टार्ट करने से पहले हमें बाइनोमियल एक्सपेंशन के बारे में पता होना चाहिए। बाइनोमियल एक्सपेंशन का इसके अंदर बहुत ज्यादा यूज होगा। तो बाइनोमियल एक्सपेंशन के लिए हमने मान लिया कि हमारे पास ये एक फंक्शन है एक्स प्लस ए और इसकी पावर है एन। अब हमें इसको बाइनोमियल एक्सपेंशन की हेल्प से एक्सपेंड करना है, तो एक्सपेंड करने का तरीका बहुत आसान सा मैं आपको बता देता हूँ। स्टार्टिंग में हम लिखेंगे एन सी जीरो, फिर प्लस, फिर कुछ आगे लिखेंगे एन सी वन प्लस, फिर कुछ आगे लिखेंगे एन सी टू, ऐसे लिखते जाएंगे एन सी थ्री तक हम लिखते जाएंगे। अब हमारे पास दो फंक्शन है, एक एक्स है और एक ए है। यहाँ पे हम एक्स भी लिखेंगे और यहाँ पे हम ए भी लिखेंगे सबके साथ, एक्स भी और ए भी। यहाँ पे भी हमने एक्स लिखा और यहाँ पे भी हमने ए लिखा, यहाँ पे भी एक्स लिखा और यहाँ पे भी ए लिखा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे ये जो दो फंक्शन है इनमें से एक की पावर इंक्रीज होती जाएगी, दूसरे की पावर डिक्रीज होती जाएगी। तो यहाँ पे एक बार जो एक्स है उसकी पावर क्या होगी, मैक्सिमम होगी, एक्स की पावर एन मैक्सिमम हो सकती है और ए की पावर उस टाइम मिनिमम होगी। ठीक है, अब यहां से यहां जाएंगे तो एक्स की पावर यहाँ पे मैक्सिमम थी, यहां से ये मिनिमम हो जाएगी, इसमें से एक कम हो जाएगा, एन माइनस वन हो जाएगी और यहाँ पे हमारे पास ए वन आ जाएगा। सेम एज इट इज यहाँ पे आएंगे तो एक्स की पावर एन माइनस टू हो जाएगी और यहाँ पे ए टू हो जाएगा, यहाँ पे एक्स की पावर एन माइनस थ्री हो जाएगी और यहाँ पे ए थ्री हो जाएगा। ये एक सिंपल सा मेथड होता है बाइनोमियल एक्सपेंशन को एक्सपेंड करने का। और ऐसे सो ऑन तक हम एन टर्म तक चलेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास एन सी आर आ जाएगा और ये आ जाएगा एन माइनस आर और ए की पावर ए आर हमें यहां पे मिल जाएगा। ठीक है, तो ये बाइनोमियल एक्सपेंशन होता है। इस एक्सपेंशन की हेल्प से हम इसको, इस फंक्शन को एक्सपेंड करेंगे। तो हमारे पास फंक्शन क्या था, फंक्शन था हमारे पास 1 माइनस 2 एक्स एच प्लस एच स्क्वायर। इस फंक्शन को एक्सपेंड करते हैं तो यहाँ पे ये जो टर्म है इस टर्म के अंदर से अगर मैं एच कॉमन निकाल लूं तो क्या जाएगा हमारे पास, ये हमें मिलेगा 1 माइनस एच, हमने बाहर कॉमन निकाल लिया, 2 एक्स प्लस एच, ये हमें यहाँ पे मिल जाएगा टोटल की पावर माइनस 1 बाय 2। इसको हम एक्स मान ले, इसको ए मान के हम कर सकते हैं इसको एक्सपेंड। तो अब हम देखते हैं इसका प्रूफ, प्रूफ में कैसे करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल प्रूफ में हमने ये जो जनरेटिंग फंक्शन था वो हमने यहाँ पे लिया है, इसमें हमने एच कॉमन निकाल लिया। कॉमन निकालने के बाद हम क्या करते हैं, एक्सपेंडिंग द राइट हैंड साइड। यहाँ पे हम ये जो एक्सपेंशन लिखा था ना बाइनोमियल एक्सपेंशन के बारे में बता सकते हैं, एक्स प्लस ए और इसकी पावर क्या है हमारे पास एन इक्वल टू, इसको हम बाइनोमियल एक्सपेंशन से एक्सपेंड करके बता देंगे उसकी हेल्प से। तो उसके बाद नेक्स्ट जो पॉइंट है, एक्सपेंडिंग राइट हैंड साइड बाय बाइनोमियल थ्योरम। जो राइट हैंड साइड वाली ये जो टर्म है इसको हम बाइनोमियल एक्सपेंशन की हेल्प से एक्सपेंड करने की कोशिश करते हैं। तो हमारे पास टर्म क्या है, 1 माइनस 2 एक्स प्लस एच स्क्वायर, एक सेकंड हम इसको एक्सपेंड करेंगे। ठीक है, तो हमें क्या मिलेगा, 1 प्लस 1 बाय 2 एच 2 एक्स माइनस 1। अब यहाँ पे हमारे के पास क्या है, 1 बाय 2 है, यहाँ पे h है। ठीक है, तो जैसे जैसे मैं आगे चलता जाऊंगा तो फर्स्ट टर्म में क्या है, 1 बाय 2 है, अगली टर्म में जाऊंगा तो 1 बाय 2 के साथ 3 बाय 2 मिलेगा, उससे अगली टर्म में जाऊंगा तो 1 बाय 2 के साथ 3 बाय 2 भी मिलेगा और 5 बाय 2 भी मिलेगा। यहाँ पे h की पावर 1 है, यहाँ पे h की पावर एच स्क्वायर मिलेगी। उसके बाद अगली टर्म में जाऊंगा तो x की पावर 3 मिलेगी, उससे अगली टर्म में जाऊंगा तो x की पावर 4 मिलेगी। सेम एज इज, यहाँ पे 2x माइनस h है, यहाँ पे इसकी पावर 1 है, अगले में जाऊंगा तो इसकी पावर 2 हो जाएगी और उससे अगली टर्म में जाऊंगा तो यहाँ पे 2x माइनस एच की पावर 3 हो जाएगी। तो जो राइट हैंड साइड में टर्म है उसका हमने बाइनोमियल एक्सपेंशन कर लिया
और एक चीज और यहाँ पे हमारे पास नीचे आएगा 1 का फैक्टोरियल, फिर 2 का फैक्टोरियल, फिर 3 का फैक्टोरियल, 4 टर्म के साथ 4 का फैक्टोरियल, ऐसे यहाँ पे हम चलते रहेंगे। अब हम इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। सिंप्लीफाई सबसे पहले हम इस टर्म को करते हैं, हमारे पास क्या है ये, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 1/2 / 3/2, और ये हो जाएगा हमारे पास 1/2। इस टर्म को हम यहाँ पे कैसे लिख सकते हैं, इस टर्म को हम लिख सकते हैं 1/2, और साथ में इसको लिख सकते हैं ये हो जाएगा 3/4 हो जाएगा हमारे पास, ठीक है। सेम एज इट इज, एक टर्म तो हमने ये लिख ली। उसके बाद ये वाली जो टर्म है, इस टर्म को हम कैसे लिख सकते हैं ये भी हम देखते हैं। ये है हमारे पास 1/2, एक बार ऊपर वाली 3/2, और साथ में 5/2, और साथ में क्या आएगा यहाँ पे, ये हमें मिल जाएगा 1/3, और इंटू में 1/3 का फैक्टोरियल। अब ये 3 का फैक्टोरियल खोलेंगे तो 3 का फैक्टोरियल आएगा 3 × 2 × 1, तो यहाँ पे मिलेगा हमें 6, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 6। और इसको जब हम सोल्व करते हैं तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 1, 3, 5, और साथ में लिख सकते हैं 2, 4 and 6 हम यहाँ पे लिख सकते हैं, ठीक। अगर इसके बाद हमारे पास अगली कोई टर्म है, इससे अगले अगर हम फोर्थ पावर के लेके चलें तो फोर्थ पावर को हम कैसे सोल्व करेंगे, वहां पे हमें मिलेगा 1/2, 3/2, 5/2 और 7/2। नीचे मिलेगा हमें 4 का फैक्टोरियल जब हम सोल्व करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 4 × 3 × 2 × 1। तो यहाँ पे हम इसको इसके बटे में लिख लेंगे और फिर हम उसको सोल्व करके लिख सकते हैं। तो इससे नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो हमने इसको सोल्व किया है, इस टर्म की जगह हम क्या पुट कर देंगे, इस टर्म की जगह हम पुट कर देंगे 1/2 × 3/2। यहाँ पे ये जो टर्म है इसकी जगह हम पुट कर देंगे 1/2, 3/4, 5/4, इस जगह इस टर्म की जगह हम पुट कर देंगे, बाकी की जो टर्म है वो एज इट इज हमारे पास सेम रहेंगी। तो यहाँ पे हमने जो वैल्यू थी वो वैल्यू यहाँ पे पुट कर दी और उस टर्म को हमने इनफाइनाइट टर्म तक एक्सपेंड कर लिया। तो इनफाइनाइट टर्म तक जब हम उसको एक्सपेंड करेंगे तो हमारे पास ये वाली टर्म आ जाएगी। यहां तक हमने एक्सपेंड किया था, फोर्थ टर्म के बारे में भी हमने बताया था। जब हम एन तक एक्सपेंड करेंगे, एन तक एक्सपेंड हमने यहां पे किया था एनसीआर, एक्स की पावर n-r और ar, ये आ जाएगा। हम सब इस टर्म को एक्सपेंड करेंगे तो सेम एज इट इज इस टर्म को भी ऐसे ही एक्सपेंड किया जाएगा, ठीक है। अब ये जो वैल्यू आई है हमारे पास, ये जो इक्वेशन आई है, इस इक्वेशन के अंदर से अगर हम एच की पावर एन के कोफिशियंट निकालें तो क्या आएगा, सबसे पहला जो कोफिशियंट है एच की पावर एन का कोफिशियंट हमें कहां मिलेगा, यहां पे अगर हम देखते हैं तो यहां पे हमारे पास एच की पावर एन है, ठीक है। तो एच की पावर एन के कोफिशियंट हमें यहां पे चाहिए, तो हमारे पास सबसे पहला कोफिशियंट हमें कहां से मिल जाएगा, यहां से मिल जाएगा, और साथ में ये कोफिशियंट भी हमें यहां से मिल जाएगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये वाली जो टर्म है इसको उठा के हमने यहां पे एज इट इज लिख लिया, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं इस टर्म की, अगर हम इस टर्म का बाइनोमियल एक्सपेंशन करें तो हमें क्या मिलेगा, बाइनोमियल एक्सपेंशन में मिलेगा हमें 2x की पावर n और c n c 0। आगे की जो टर्म होगी वो हमारे काम की नहीं होगी, तो हमने यहां तक इसको लिख लिया। उसके बाद हम बात करते हैं सेकंड कोफिशियंट की, हमने यहां से फर्स्ट कोफिशियंट तो हमें यहां से मिल गया, सेकंड कोफिशियंट की बात करते हैं तो सेकंड कोफिशियंट मिलेगा हमें इस टर्म से, पर यहां पे तो हमारे पास h की पावर -n-1 है, हमें किसका कोफिशियंट चाहिए, h की पावर n का कोफिशियंट चाहिए। तो हमें क्या मिलेगा यहां पे, जब हम इसका बाइनोमियल एक्सपेंशन करेंगे तो यहां पे हमें एक h मिलेगा, और उस h से ये 1 पावर कैंसिल हो जाएगी। इसका बाइनोमियल एक्सपेंशन कैसे करेंगे, सबसे पहले हमारे पास इसके अंदर आएगा 2x की पावर n-1, और 2x की पावर जब n-1 होगा इसका बाइनोमियल एक्सपेंशन करेंगे तो उसके साथ में हमें h नहीं मिलेगा, पर सेकंड टर्म जब अगला बाइनोमियल एक्सपेंशन करेंगे इसी में आगे चलेंगे तो हमें मिलेगा x की पावर n-2, पर उसके साथ में हमें यहां पे एक h मिलेगा और उस h से ये 1 कैंसिल हो जाएगा, तो हमें यहां पे भी h की पावर n के कोफिशियंट मिल जाएंगे। तो ये वाली जो टर्म है ये हमारे पास यहां पे एज इट इज मिल जाएगी, और साथ में हमें मिलेगा n-1 c1, ये आएगा n-1, ये 1 यहाँ पे आएगा, और साथ में 2x n-2 हमें मिल जाएगा जब हम इस टर्म का बाइनोमियल एक्सपेंशन करेंगे तब, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं कि हमारे पास यहाँ पे एक सीरीज ही बनती है 1, 1, 3, 5, 2, 4, 6 और 2n। सेम एज इट इज यहाँ पे 2n-1 था, यहाँ पे कितना 2n-3, यहाँ पे 2n था, यहाँ पे 2n-2, उसके बाद यहाँ पे 2n-2 था, आगे चले तो हमें कितना मिलेगा 2n-4 मिलेगा, उससे आगे चलेंगे तो हमें 2n-6 मिलेगा। सेम एज इट इज यहाँ पे भी 2n-, पहले 1 था, फिर 3 था, फिर 5 था, तो यहां से हम अगली टर्म भी बड़ी आसानी के साथ यहां पे लिख सकते हैं। अगर हम अगली टर्म लिखना चाहें तो क्या जाएगी हमारे पास 1, 3, 5, 2n-7 और 2, 4, 6, और ये हमें मिल जाएगा 2n-6, और साथ में मिलेगा n-3 c3, हमें यहां से ये मिल जाएगा। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे हम यहां पे, तो नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास ये जो आया है एच की पावर एन के जो कोफिशियंट आए हैं इसको हम थोड़ा सा रीअरेंज करते हैं और जो लेजेंडर पॉलिनोमियल है उसकी फॉर्म में हम इसको लेके आने की कोशिश करते हैं। तो अगर हम यहां पे इसको सोल्व करने के लिए इस पूरे के अंदर से अगर मैं यहां से इस पूरी टर्म में से अगर मैं कॉमन क्या निकाल लूं, यहां पे लिख देते हैं हम 1, 3, 5 और 2n-1 / 2, 4, 6 और
2n। अगर मैं इस पूरे इक्वेशन में से ये वाली टर्म कॉमन निकाल लूं, कॉमन निकालने के बाद हमारे पास क्या बच जाएगा वो लिखेंगे हम, और साथ में हमारे पास ये क्या है 2x की पावर n हमें यहाँ पे मिला है, तो मैं इसको अलग अलग करके लिख लेता हूँ। इसको हम अलग अलग कैसे कर सकते हैं, हम 2 की पावर n लिख सकते हैं और साथ में x की पावर n लिख सकते हैं। अब ये 2 की पावर n हमारे पास क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, 2 की पावर n हमारे पास रिप्रेजेंट करेगा 2 2 2 2, सो ऑन n टाइम तक हमारे पास 2 2 2 होगा। तो ये जो n टाइम तक 2 2 होगा, इस 2 से हम ये 2 कैंसिल कर देंगे, 1 मिल जाएगा हमें। इस 2 से हम ये 4 कैंसिल कर देंगे, यहाँ पे 2 मिल जाएगा। यहाँ पे जो थर्ड 2 है ये 3 मिल जाएगा, सेम एज इट इज, ये कैंसिल होके हमें एन मिल जाएगा लास्ट तक। उसके बाद हम यहाँ पे क्या करेंगे, ये 1 है 2 है 3 है 4 सो ऑन एन है, तो इस टर्म को हम क्या लिख सकते हैं, इस टर्म को हम लिखेंगे एन फैक्टोरियल। तो ये सब स्टेप हम अब आगे करेंगे। तो नेक्स्ट स्टेप हमने यहाँ पे लिख दिया, हमने यहाँ पे क्या लिखा 1 3 5 2 4 6 और 2n-1 और 2n पूरी टर्म में से हमने कॉमन निकाल लिया। कॉमन निकालने के बाद हमारे पास यहाँ पे क्या था, ये था हमारे पास 2x की पावर n, हमने यहाँ पे इसको अलग अलग कर लिया, 2n अलग लिखा और x की पावर n। अब ये वाली जो टर्म है, वो वाली टर्म, ये वाली टर्म हमारे पास कैसे आई है वो भी हम देख लेते हैं। तो अब हमने यहाँ से 2 की पावर 2n-1 को यहाँ से कॉमन लिया है, और यहाँ पे जो सेकंड टर्म है, इस सेकंड टर्म के अंदर हमारे पास 2n-3 है, 2n-1 नहीं है, तो 2n-1 को बैलेंस करने के लिए हमने यहाँ पे क्या लिख दिया, डिवाइड में 2n-1। सेम एज इट इज हमने नीचे क्या लिया है, 2n कॉमन लिया है, और इस टर्म के अंदर हमारे पास 2n नहीं है, तो 2n को बैलेंस करने के लिए हम यहाँ पे इसको ऊपर 2n से मल्टीप्लाई कर देंगे। उसके बाद ये 1/2 की पावर 2 हमारे पास कहां से आया है ये भी हम बता देते हैं। यहाँ पे हमारे पास क्या था, 2x की पावर n-2। तो यहाँ पे हमने 2n तो इसके अंदर से कॉमन निकाल लिया था, कॉमन हमने क्या कॉमन निकाल लिया था, कॉमन हमने निकाला था 2 की पावर n हमने कॉमन निकाल लिया था, और यहाँ पे क्या है हमारे पास 2x n-2 है, और हम इसको बैलेंस करने के लिए, इस टर्म को बैलेंस करने के लिए 1/2 की पावर 2 से हम इसको डिवाइड करवा देंगे। उसके बाद हमारे पास ये जो n-1c1 है, यहाँ पे लिख देता हूं मैं n-1c1 है, इसकी वैल्यू हमारे पास क्या होती है, ये होती है n-1, ये n-1 यहां से आ जाएगा, और यहाँ पे ये जो nc0 है इसकी वैल्यू हमारे पास कितना होती है, nc0 की वैल्यू होती है हमारे पास 1। ठीक है, तो ये सब चेंज करने के बाद हमने इस, ये जो नेक्स्ट टर्म है इसको यहाँ पे लिख दिया, सेम एज इट इज 2n-, और ये सब हमने यहाँ पे लिखा है इन सबको बैलेंस करने के लिए। अगली टर्म में कैसे लिखा है ये भी हम यहाँ पे बता देते हैं। अगली टर्म में हमारे पास क्या है, 1 3 5, 2n-5 और 2n-4 6 है, तो यहाँ पे हमारे पास 2n-1 नहीं है, तो बैलेंस करने के लिए हम इसके डिवाइड में 2n-1 कर देंगे, और सेम एज इट इज हमें 2n कॉमन लिया है, तो साइड में 2n भी हमारे पास आ जाएगा। ठीक है, सेम एज इट इज यहाँ पे हमारे पास x की पावर n-4 थी, और हमने उसमें से 2n कॉमन ले लिया, उसको बैलेंस करने के लिए हमने 1/2 की पावर 4 से इसको डिवाइड कर दिया। और यहाँ पे ये वाली जो टर्म है, ये वाली टर्म कहाँ से आई है, ये वैल्यू होती है हमारे पास n-2c2 की वैल्यू, ये होती, ये वैल्यू हमने यहाँ पे पुट कर दी। अब नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या किया, यहाँ पे हमारे पास 2 की पावर n है, 2 की पावर को n को हम क्या लिख सकते हैं, 2 2 2 2, सो ऑन n टाइम तक 2 लिख सकते हैं, ये इससे कैंसिल हो जाएंगे सबके सब, ऑलरेडी हम पहले वाले स्टेप के अंदर ये बता चुके हैं, तो हमने यहाँ पे ये इसको बैलेंस करके लिख दिया। अब यहाँ पे 1 2 3 सो ऑन n है, इस टर्म को हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं n फैक्टोरियल। ठीक है, तो अगले स्टेप में ये वाले जो स्टेप है वो एज इट इज लिखे है, यहाँ पे हमने लिख दिया n फैक्टोरियल, आगे की जो टर्म है वो यहाँ पे एज इट इज सेम है, और ये जो टर्म आई है हमारे पास, इस टर्म को हम क्या बोलेंगे, Pnx। हमने किया क्या है, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा, हमने किया क्या है एक बार मैं फिर से बता देता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास एक जनरेटिंग फंक्शन था, ये वाला हमारे पास जनरेटिंग फंक्शन था, इस जनरेटिंग फंक्शन को हमने बाइनोमियल एक्सपेंशन की हेल्प से एक्सपेंड किया है। एक्सपेंड करने के बाद हमने उसके अंदर से जो h की पावर n के जो कोफिशियंट है उनको कलेक्ट किया, कलेक्ट करने के बाद हमने यहाँ पे इसको एक्सपेंड कर लिया, एक्सपेंड करने के बाद इसके अंदर थोड़ा सा रीअरेंज किया हमने जो इसके अंदर लिखा हुआ था, और ये हमारे पास h की पावर n के, ये जो इक्वेशन आती है इससे हम h की पावर n के कोफिशियंट निकालेंगे, h की पावर n के कोफिशियंट हमें यहाँ पे मिलते, और h की पावर n के जो कोफिशियंट है उसको थोड़ा सा रीअरेंज करने के बाद, वैसे तो हमारे पास h की पावर n के जो कोफिशियंट होते हैं उसको हम pnx बोल सकते हैं, डायरेक्ट हम h की पावर n के जो कोफिशियंट थे उसको pnx बोल सकते थे हम, पर हमने उसको थोड़ा सा रीअरेंज किया, कोशिश की कि इसको हम लेजेंडर पॉलिनोमियल के अंदर कन्वर्ट कर सकें या उसके जैसा बना सके। ठीक है, उसके अंदर थोड़ा सा चेंज किया, चेंज करने के बाद हमारे पास ये इक्वेशन आ जाएगी, और इसी को हम बोलते हैं pnx। इसके बाद जो एक पॉइंट है वो आपको याद रखना है, यहाँ पे जब हम h की पावर 1 के जब कोफिशियंट निकालेंगे तो हमें वैल्यू मिलेगी p1 की, p1x की वैल्यू मिलेगी, h की पावर 2 के कोफिशियंट जब निकालेंगे हमें मिलेगी वैल्यू p2x की, सेम एज इट इज h की पावर 3 के कोफिशियंट से हमें यहाँ पे वैल्यू मिलेगी p3x की। ठीक है, और यहाँ पे अब हम लिख क्या सकते हैं, यहाँ पे लिख सकते हैं हमारे पास, एक सेकंड में आगे कर देता हूँ, हमारे पास जो फंक्शन था वो क्या था, 1-2xh प्लस में एच स्क्वायर और इस टोटल की पावर -1/2। जब इसको एक्सपेंड करते हैं तो हमें क्या मिलेगा,
पी नॉट प्लस एच पी वन और साथ में एक्स आएगा प्लस में। अब यहाँ पे इन दोनों की वैल्यू इंक्रीज होती जाएगी, यहाँ पे एच टू मिलेगा, यहाँ पे पी टू मिलेगा, फिर हमें एच थ्री मिलेगा, फिर पी थ्री प्लस एच फोर और पी फोर सो ऑन। ये टर्म हम एन तक लेके जाएंगे, ये मिलेगा हमें एच एन और ये मिलेगा पी एन में हमें मिल जाएगा पी एन एक्स यहाँ पे मिल जाएगा। अब ये वाली जो टर्म है इसको हम समेशन के अंदर लिख सकते हैं, ये राइट हैंड लेफ्ट हैंड साइड वाली टर्म हमारे पास एज इट इज रहेगी, वन माइनस टू एक्स एच सेम रहेगा, एच का स्क्वायर यहाँ पे सेम और माइनस वन बाय टू यहाँ पे लिख दिया। और इक्वल टू इसको हम समेशन लिख सकते हैं, यहाँ पे जीरो से लेके एन तक वैल्यू जा रही है तो हम यहाँ पे लिखेंगे एन इक्वल टू जीरो टू इन्फिनिटी और ये आ जाएगा हमारे पास पी एन एक्स और साथ में एच की पावर कहाँ तक है एन तक है तो एच एन, ये हमें यहाँ पे लीजेंडर पॉलिनोमियल की वैल्यू हमें मिल जाएगी। आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आया हो। थैंक यू।